से शुरू कर लेता हूं। जो पूर्ण स्वस्थ है उनको भी कम से कम एक घंटा क्रियात्मक योगाभ्यास, जैसे ध्यान हम एक घंटा करवा रहे हैं ऐसे आसन प्राणायाम ये भी एक घंटा करना जरूरी है। और आज तो मैंने आपसे कहा कि प्राणायाम पूर्वक ध्यान करें तो एक साथ कई काम हो जाए, तन भी शुद्ध हो जाएगा, मन भी शुद्ध हो जाएगा, विचार शुद्ध हो जाएंगे, भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी, कर्म शुद्ध हो जाएंगे, दुर्विचार से दुर्भावनाओं से दुर कर्मों से दुर्गुणों से दोषों से दुर्बलताओं से मुक्त हो जाए। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरे, प्रभु मुझे सब विकारों से अंधकारों से तमस से हटाओ, अब तो प्रभु अपनी शरण में दो। भजन पूर्वक कीर्तन श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक कर्म, तुम कह रहा था कर्म ही समाधान है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही मर्म है जीवन का। और वो कर्म कैसा हो? वो ज्ञान पूर्वक हो, वो भक्ति पूर्वक हो, उस कर्म में आसक्ति ना हो, उस कर्म में फल प्राप्ति की इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो, कोई तृष्णा ना हो, कोई वासना ना हो, तो कर्म शुद्ध कर्म हो, दिव्य कर्म हो, भागवत कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो। तो मैं कर्म योग का मार्ग पर चलने वाला हूं, मैं कर्म योगी हूं, लेकिन कैसा कर्म करता हूं? ज्ञान युक्त कर्म करता हूं, भक्ति युक्त कर्म करता हूं, योग पूर्वक कर्म करता हूं, योगस्थ कर्म करता, ब्रह्मणी आधाय कर्माणि वाला योगी, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समर्थं योग उच्यते। ब्रह्मणी आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते रस पापेन पद्मपत्र निवान्तः। मैं ज्ञान पूर्वक भक्ति पूर्वक कर्म करने वाला, श्रीमद् भगवत गीता में उपनिषदों में वेदों में भी यही कहा है कि आसक्ति को छोड़कर के, फल की इच्छा को छोड़कर के, अकाम निष्काम होकर के, आप्त काम आत्म काम होकर के कर्म करो। विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद विष्णो परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः चक्षुरा। कर्म करो ऐसे कैसे, दुर्गुणों से दोषों से दुर्बलताओं से मुक्त होकर के भगवान के नाते कर्म करो, भगवान के नाते योग करो, भगवान के नाते खेती करो, खेत भी भगवान का, खेती भी भगवान की, बीज भी भगवान का, खाने वाले भी भगवान, सब भगवान, भगवान के नाते खेती करो, भगवान के नाते विद्या अभ्यास करो तो ब्रह्म विद्या हो जाएगी, भगवान के नाते सारे संबंध सारे व्यापार सारे व्यवहार सब कुछ करो ऐसे। ये अभ्यास अभी तो मैं बच्चों और फिर जवानों और फिर बुजुर्गों तक सब तक जाऊंगा, करते करते करना समाधान। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहार।
एक लोहा पूजा मेरा खत एक घर पथिक परो एक घर पथिक परो यह दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत करो बोले अब गुण चित धरो प्रभुजी बोले अब गुण चित न धरो जिसके लिए जो आसन उपयुक्त है अब जैसे पांच आसन बच्चों के लिए बता दिए